यहाँ के रूट जो है ना वो काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं, क्योंकि दिस इज़ द पहाड़ लाइक दैट। सो हिल स्टेशन कैसे होते हैं मोस्टली लाइक दैट, कि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी। मुझे पहली बात ऐसे ही प्लेस मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं हमेशा वैसे हिमाचल विश किया हूँ जाने का, देखो कब पहुँच पाता हूँ। फिलहाल मैं कर्नाटक के बस में हूँ और आप इस व्यू का नज़ारा देखते रहें। और समय हो रहा है 8:30 और बस रुक चुकी है, आप अभी यहाँ का देख सकते हैं। धूप हो चुकी है फिलहाल, काफी अच्छा लग रहा है। सो आगे चलते हैं और फिर देखते हैं। मंगलूर बस स्टैंड, सो एज यू कैन सी दिस इज द चिकमंगलूर बस स्टैंड, so we'll go now. Oh, that this is the Chikmagalur bus station, and after this हम जाएंगे एक प्लेस पे जहाँ पे हम बताएंगे नहीं कि ये कौन सा प्लेस है। अभी बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा उतना, अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे पीछे देख सकते हो ये बस स्टैंड है। So fair and all everything I will mention in last, so take care and then I will meet me. So ये है चिकमंगलूर बस स्टैंड के सामने का, ये बाहर का लोकेशन है आप देख सकते हो। और ये पहाड़ है कि क्या? नहीं पहाड़ नहीं है, तो सो काफ़ी अच्छा है ये। तो यहाँ पे लाइन से सारी होटलें हैं, अगर किसी को आना है तो यहाँ पे आके खाने वाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी यहाँ पे ट्रैवलिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, तो फिर वी कैन ट्रैवल एंड वी कैन ईट एनीथिंग। तो यहाँ से हमें कहीं और जाना है, तो फर्स्ट टाइम हो रहा है 8:49, सो हम निकले थे 6:45 को, सो 7 को मिली थी बस और हम पहुँच गए हैं चिकमंगलूर 1 से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे। सो अब हम यहाँ पे लेंगे सम ब्रेकफास्ट, देन आफ्टर वी विल गो समवेयर एल्स। So I will let you know where we are going and what we are actually going to do. So let's go. तो चिकमंगलूर बस स्टैंड से हम कुछ दूर पे आके नाश्ता किए, जिसमें डोसा मैंने खाया है, मसाला डोसा, और जो कि ओवरऑल कॉस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, सस्ता है। यहाँ पे चीज़ें आके आराम से ले सकते हैं। सो ये ओवरऑल एरिया है, पीछे का देख सकते हैं, काफ़ी हिल स्टेशन जैसा है, पूरा हिल स्टेशन ही है। चिकमंगलूर काफ़ी सेंटर के नाम से जाना जाता है। और प्लस यहाँ पे वन मोर थिंग इज़ देयर कि हिल स्टेशंस एंड वाटरफॉल्स, एवरीथिंग इज़ लाइक दैट। सो ये है रोड यहाँ का, यहाँ के ये दुकान्स एंड ऑल एवरीथिंग। सो हम चलते हैं और देख, टाउन टाइप का एरिया है, देख सकते हैं मैं टाउन में एक आ गया हूँ। तो यहाँ पे देखो लाइफ स्टाइल कैसी है लोगों की, सो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे लाइफ स्टाइल्स। तो ये घर हमारे यहाँ जो कैसे हैं यहाँ के घर, और यहाँ के ये टाउन्स काफ़ी अच्छा मतलब सिस्टम है। एंड दिस इज़ द व्यू, एंड बिना मौसम के भी बारिश हो रही है भाई साहब, बिना मौसम। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, देखिए यहाँ पे ऐसा, ये देखो पालक भी लग बेच रहे हैं भाई साहब, सो वेरी नाइस, देख सकते हैं यहाँ पे। और भी चीज़ें हम दिखाएंगे, चलते हैं। तो चिकमंगलूर से यहाँ पे आने के बाद हमने डिसाइड किया था कहीं और जाने के लिए, बट आ जाता है कि अब हम
चाहते हैं कि कुछ और करें। हम जाने वाले थे थोड़ा सा ट्रैकिंग पे, बट मैं भी रिवील कर देता हूँ क्या करने वाला था, बट अब हम क्या करने वाले दैट वी विल डिसाइड। सो हम ट्रैकिंग करने जाने वाले थे बट बाय बैड लक कैंसिल हो गया क्योंकि सम इशू। सो नाउ वी विल गो समवेयर एल्स, सो वी विल लेट यू नो। तो क्या होगा कि हम कुछ और करने जा रहे हैं, तो फिर हमारे सचिन सर को देखो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए आप पीछे सचिन सर आज बच्चे जैसा। ये हमारे सचिन सर है, फिजिक्स पढ़ाते हैं JNVE में। सो काफ़ी अच्छा लाइव हो? हाँ लाइव नहीं है बट रिकॉर्ड ये रिकॉर्ड कर लेंगे। सो दिस इज द उद्यान, अब क्या क्या लिखा है वो मुझे नहीं मालूम, बट दिस इज़ द उद्यान, दैट मीन्स कि पार्क जहाँ पे थोड़ा छोटा मोटा है। तो यहाँ पे ये झूला वगैरह, काफ़ी ज़्यादा झूला वगैरह है, तो ये टाइप बच्चों के लिए है। तो हम लोग ने भी ट्राई किया था थोड़ा थोड़ा। सो दिस इज़ द होल व्यू ऑफ द पार्क। सो वी विल गो वेयर देन वी विल सो। भाई कर्नाटका के पीवीआर Thank you.